Assalamualaikum my two family princess garden channel पर आप सबका स्वागत है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ मनी प्लांट के टॉपिक पर, जो हर घर में आसानी से मिल जाता है। ये पौधे को हम मनी प्लांट के नाम से जाने जाते हैं, मगर इसका असली नाम है पोथोस। अगर आप इस पौधे के फ़ायदे सुनेंगे तो आप भी अपने घर में रखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये प्लांट मैंने अपने घर के एंट्रेंस में रखा है। अभी इतने छोटे पॉट में इतनी लंबी वाइन आ चुकी है। मनी प्लांट मतलब पैसे का पौधा नहीं है, ये एक एयर प्यूरीफायर प्लांट है, जो कि हवा में बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, टॉक्सिन जैसे के ख़राब एलिमेंट्स को दूर करता है। मनी प्लांट के तो बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, बट मेरे पास 2 वेराइटीज़ हैं, ये एंजॉय पोथोस। ये वेराइटी मैंने नर्सरी से लिया था, मेरा ये फेवरेट प्लांट है। ये वेराइटी थोड़ा स्लो ग्रो करता है, मगर दिखता बहुत खूबसूरत है। मनी प्लांट एक इजी ग्रो प्लांट है, इसके लिए कोई सॉइल मिक्स, कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि ये एक हैंगिंग बास्केट है, इसीलिए मैंने इसमें गार्डन सॉइल के बदले में कोकोपीट ऐड किया है। प्लांट को ये क्लिप से भी ग्रो किया जाता है, ये इतना आसान है ग्रो करना। ये मैंने कुछ कटिंग्स लगाए हैं इसमें, अब अच्छे से ग्रो कर रहा है। जब ये पूरी तरह से फिल हो जाएगा तो बहुत खूबसूरत लगने वाला है। मनी प्लांट को आप घर पर कहीं भी रख सकते हो, बस थोड़ी सी लाइट होना ज़रूरी है, बट इसको सॉइल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक और वेराइटी है, इसका नाम है नियॉन पोथोस। ये एक लाइट येलो ग्रीन कलर में होता है और देखने में बहुत खूबसूरत दिखता है। ये प्लांट भी मैंने नर्सरी से ही लिया है, काफ़ी छोटा था जब मैं लेकर आई हूँ। मैं अब इसको भी एक वाइन की तरह ऊपर चढ़ाने वाली हूँ। इसकी कटिंग भी मैंने लगाया है, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। मैं सोच रही हूँ और कुछ कटिंग्स लगा लूँ। मनी प्लांट हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत दिखता है, जब ये पूरी तरह से कवर कर लेता है हैंगिंग बास्केट को। कटिंग करने के लिए कुछ टिप्स की ज़रूरत होती है। पहले सीजर को डेटॉल से साफ करना होता है, और फिर ये नोट दिखाई दे रहा है आपको, इसको नोट कहते हैं। और इस रूट से ही हमें एक नया पौधा मिलता है, इसीलिए हमें देखकर कट करना है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक रूट है, और इसी से हमें एक नया पौधा मिलता है। कभी भी कोई भी कटिंग लेने से पहले उसका नोट देखना बहुत ज़रूरी होता है। नोट से ही हमें एक नया रूटिंग मिलती है और नया पौधा मिलता है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा मार्क किया है, यही है रूट्स। इसी से ही हमें एक नए नए पौधे मिलते हैं, और इसको भी मैंने ऐसे ही कट किया है। कटिंग्स करना और उसको उगाना बहुत अच्छा होता है, और इससे हमें एक पौधे से बहुत सारे पौधे मिलते हैं। अगर हम चाहें तो गिफ्ट भी कर सकते हैं। मेरे सारे कटिंग्स मैं इस पॉट में लगाने वाली हूँ। ये एक हुक पॉट है, तो इसमें मैंने सॉइल मिक्स मिलाया है, 50% कोकोपीट, 30% गार्डन सॉइल, 20% कंपोस्ट मिलाया है। क्योंकि मुझे कोकोपीट चाहिए हल्की रहने के लिए बास्केट, लूज सॉइल चाहिए, इसलिए मैंने मिक्स किया है। वरना मनी प्लांट के लिए कोई सॉइल मिक्स की ज़रूरत नहीं होती है। ये कटिंग सब चल जाएंगी। जब ये पॉट पूरी तरह से पत्तियों से फिल हो जाएगा तो देखने में बहुत सारा खूबसूरत होगा, जैसे पहले वाला है। चलिए इसको हैंग करके दिखाते हैं ये कितनी खूबसूरत है। ये प्लांट विदाउट सॉइल में भी बहुत खूबसूरत दिखता है। ये क्रिस्टल बॉल्स हैं, जो पानी में डालने के बाद इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। बचपन में बहुत खेला होगा। इसको मैं लेकर आई हूँ कुछ होम डेकोर करने के लिए, तो बड़े हो जाएंगे तब दिखाती हूँ। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। मेरे पास ये एक ग्लास है, और मैं इसको वाटर में कटिंग्स लगाने वाली हूँ।
ये कुछ कटिंग्स मैंने कट किया है, अब मैं इसको एक रबर बैंड से बांधूंगी और फिर इसमें रख दूंगी, तो ये खूबसूरत दिखने वाला है। मनी प्लांट पानी में भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन इसको पानी चेंज करते रहना है। हमारे आसपास ग्रीनरी हो, नेचर हो, तो हमें मन को बहुत सुकून मिलता है। ये आप अपने टेबल पर कहीं भी रख सकते हैं, घर के इंडोर में रख सकते हैं। इसे कोई लाइटिंग की उतनी ज़रूरत नहीं होती है, बस ये यूं ही ग्रो कर जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।